उम्र कितनी है इनकी? 91 चल रही है। हैं? 91। 91 है। 91। और कितने दिन दवाई खाली हमारी उन्होंने? अब ये समझ लीजिए 25 तारीख से शुरू हुई थी, अब आज हो गया 28 नवंबर से। और पहले लेटे रहने पर सांस फूल जाती थी? मुठ सुधार आ गया उसमें। अच्छा। बाकी सब में सुधार है, सिर्फ अब दिक्कत उतना ही है कि जो पेशाब जाने में थोड़ी ठनका टाइप का पड़ता है। तो पेशाब की पहले जो परेशानी थी वो भी तो उतनी तो नहीं है ना? नहीं नहीं उतनी नहीं है। खांसी वगैरह? खांसी नहीं आती, बंद हो गई है। बंद हो गई जी। श्वास जो बढ़ती थी वो भी खत्म हो गई है। मतलब खांसी, सांस, बुखार जी, ये सब परेशानी ठीक है जी? ठीक है। पहले थी क्रिएटिनिन था, पहले 6.8 था। हाँ 6.8। हाँ 4.6 बचा। 4.6 के बाद में अब ये लास्ट में 3.5 आ गया ना? 3.5 आ गया। अभी डायलिसिस वगैरह तो कुछ हुई नहीं है? नहीं कुछ नहीं करवाया। पास आए थे तब अंग्रेजी दवाई उसके पहले चल रही थी। हाँ, फिर वो खत्म हो गई तो आपके पास चले। हाँ, फिर यही दवाइयां बस देते हैं। तो हमने तो मना नहीं किया था बंद करने को, हमने तो नहीं कहा था जी। तो बिना हमारे पूछे बंद कर दी। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा जी, पर ठीक है। अब अगर ठीक है तो हम इंग्लिश दवाई क्यों शुरू करेंगे भाई? बिना उन दवाइयों को बंद करने से अगर इनको आराम है? नहीं आराम है सर, उससे तो मैं बता रहा हूँ बहुत आराम, बहुत ज्यादा आराम है। तो जब उन दवाइयों को बंद करने से आराम है तो उन दवाइयों को हम क्यों शुरू करेंगे? यही हमारा भी मन कह रहा है। हाँ, नहीं इसलिए हम यहाँ चले आएंगे। हाँ, हम यही दवाई लेके जाएंगे। अच्छा।